एक बार की बात है, होशियारपुर नामक गांव में पांच बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। पांचों बहनों के चाचा चाची बहुत ज्यादा दुष्ट और बुरे थे। उन्होंने पांचों बहनों के माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी और बेचारी पांचों बहनों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसा कोई अपनी नौकरानी के साथ भी ना करे। पांचों बहनों का ही पैसा, पांचों बहनों का ही बिजनेस और पांचों बहनों का ही घर, लेकिन राज कौन कर रहा था? चाचा चाची। ऐसे ही एक दिन बड़ी बहन अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आराध्या और मेरे लिए एक सस्ती सी साड़ी दिलवा दीजिए, क्योंकि कल कुछ मेहमान घर पर आ रहे हैं। मनहूस करम जली, जरा मुझे ये तो बता, ऐसा कल कौन आ रहा है जिसके सामने तुम्हें साड़ी पहन कर जाना है? हाँ चाची जी, कुछ दिन पहले हम निर्मला मौसी की बेटी की शादी में गए थे ना, वहाँ पर सावित्री मौसी की बहन को अंजलि दीदी और आराध्या दीदी पसंद आ गई। वो आपसे मिलना चाहती हैं। ये समझिए कि कल वो आकर शादी की बात पक्की करेंगी। मैं तुम पांचों के लिए एक रुपया भी खर्च करने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें साड़ियाँ नहीं दिलाऊंगी, साड़ी दिलाना तो बहुत दूर की बात, एक रुमाल तक नहीं दिलाऊंगी। जैसे भी फटे पुराने कपड़े हैं उन्हें ही पहनकर आ जाना। अगर इतनी ही ज्यादा पसंद आई हो तो ऐसे ही पसंद आ जाओगी, नए कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। नई साड़ी दिलवा दीजिए। अपनी चाची की यह बातें सुनकर पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं और वह अपने कामों में लग जाती हैं। काम कर पांचों बहनें शाम को एक जगह बैठती हैं। तभी सबसे छोटी बहन कहती है, दीदी, माँ पिताजी की मृत्यु के बाद चाचा चाची ने हमसे हमारा सब कुछ हड़प लिया और अब हमारे ही धन दौलत पर, हमारे ही घर में, हमारे ही ऊपर ऐसे हुक्म चलाती हैं जैसे हम उनके गुलाम हो, नौकर हो, हमारी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं करती। अब कल लड़के वाले आ रहे हैं, क्या आप ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनकर उनके सामने जाएंगी? हाँ मेरी प्यारी बहन, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास तो एक रुपया भी नहीं है। एक बार हम दोनों बहनों की अच्छी जगह शादी हो जाए, उसके बाद हम इस नरक जैसी जिंदगी से तुम तीनों को भी निकाल लेंगे। अच्छा, तो यहाँ महारानी बैठकर गप्पे लड़ा रही हैं और वहाँ मैं कब से इंतजार देख रही हूँ कि मेरी शाम की चाय कब आएगी, और तुम दोनों यहाँ शादी के सपने देख रही हो। देखो देखो, जितने सपने देखने हैं देखो, लेकिन मेरा नाम भी कावेरी है कावेरी। तुम्हारी अच्छी जगह शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कल सुमित्रा के बेटे तुम्हें कैसे पसंद करते हैं। चाची मन ही मन खुश हो रही थी और वह एक प्लान बना लेती है कि किस तरह सुमित्रा के बेटे दोनों बहनों को रिजेक्ट करके चले जाएं। अगली सुबह दोनों बहनें जो सबसे अच्छे कपड़े होते हैं वह निकाल कर तैयार हो जाती हैं और कुछ समय बाद सुमित्रा अपने बेटों के साथ आ जाती है। चाची ने पहले ही प्लान बना रखा था और वह अपने हाथों पर पट्टी बांध कर झाड़ू लगाने लगती है। अरे बहन जी, आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? आपके पास तो एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच बेटियां हैं आपकी जेठानी की, और आप पांच पांच बेटियों का पालन पोषण भी कर रही हैं, क्या वो आपकी थोड़ी भी मदद नहीं करती? अरे बहन जी, मैं आपको क्या ही बताऊं, जिसका दुख वो ही जाने। मेरी जेठानी की मृत्यु के बाद मैंने पांचों बहनों को कैसे सींचा है मैं ही जानती हूँ, और देखो बड़े होकर कैसे आंख दिखा रही है। घर का एक काम नहीं करती, ना ही तो चाय बना कर देती है, ना ही खाना बनाती है और ना ही सफाई करती है। बस पांचों बहनें निकल जाती हैं मटर गश्ती के लिए और देर रात तक पार्टियां करती हैं, सुबह को 12 बजे सोकर उठती हैं। मैं तो यह सोच कर परेशान हूँ कि इनकी शादियाँ कैसे होंगी, और अगर शादियाँ हो भी गई तो ससुराल में तो मुझे ही सुनने को मिलेंगी कि चाची ने कैसी परवरिश की है। अरे बातों बातों में मैं तो ये पूछना भूल ही गई, तुम कैसे आई हो? अरे कावेरी बहन, मैंने इन्हें निर्मला बहन की बेटी की शादी में देखा, वहाँ तो सबकी बड़ी इज्जत कर रही थी, बड़े बूढ़ों से प्यार से बात कर रही थी, छोटों को प्यार दे रही थी। मुझे ऐसी ही लड़कियों की तलाश थी तो सोचा क्यों ना इन्हें ही अपने घर की बहुएं बना लूं, लेकिन यहाँ आकर तो इनकी सच्चाई ही पता चल गई।
अब मुझे इतनी बदतमीज और लापरवाही लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसी लड़कियों से शादी कर अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। और ऐसा कहकर सुमित्रा अपने बेटों के साथ वहां से चली जाती है। अंजलि और आराध्या तैयार होकर आती हैं। तब तक वो जा चुके थे। चाची, मेहमान कहाँ गए? वो सब जा चुके हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी कि वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाने जा रही थी। वो ऐसी अनाथ मनहूस लड़कियों को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगी। चाची, झूठ क्यों बोल रही हो? आपने अंजलि दीदी और आराध्या दीदी के बारे में झूठी झूठी उन्हें कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया और वो यहाँ से चली गई। सच तो ये है कि आप हम पांचों बहनों की शादी होने ही नहीं देंगी, क्योंकि आपको फ्री में पांच पांच नौकरानियाँ जो मिल रही हैं। हमारे अगर शादी हो जाएगी तो आपको हमारी जैसी नौकरानियां कहाँ मिलेंगी, जो आपकी मार भी सहती हैं और आपके लिए काम भी करती हैं और किसी से कुछ कहती भी नहीं है। अरे बाप रे बाप, देखो तो ये छोटी कैसे जबान लड़ा रही है, मेरे सामने खड़े होकर मुझे कैसे फटाफट जवाब दे रही है। तेरी इतनी औकात, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जवाब देगी, तुझे तो सजा देनी ही होगी। तेरे को ज्यादा ही पर निकल कर आ रहे हैं। जब तक तेरे पर नहीं काट देती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। रुक, अभी आती हूँ गर्म चिमटा लेकर और तेरी जबान चलाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कैसे कैंची की तरह जबान चलाती है। चाची, नेहा को माफ कर दीजिए, इससे गलती हो गई। नेहा, तुम्हें क्या जरूरत है चाची के सामने इस तरह से बात करने की? चलो चाची से माफी मांगो। चाची, आज के बाद दोबारा से ये इस तरह से बात नहीं करेगी। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज इसकी जबान मत जलाना, आपने एक महीने पहले भी इसका हाथ जलाया था, देखो अभी तक ठीक नहीं हुआ। चाची प्लीज प्लीज इसे सजा मत दो। अंजलि अपनी चाची के सामने हाथ जोड़ती है, उनके पैर पकड़ती है, उनके सामने गिड़गिड़ाती है कि वो नेहा को सजा ना दे। लेकिन चाची तो चाची थी, वो अंजलि की एक नहीं सुनती और वह जल्दी से किचन से गर्मा गर्म चिमटा लेकर आती है। उसकी जबान तो नहीं लेकिन हाथ जला देती है और उसी हाथ को मोड़कर उससे कहती है, मनहूस करमजलि, दोबारा से अगर तूने मेरे सामने जबान भी खोलने की कोशिश की, इस बार तो छोड़ रही हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। आई बात समझ में? जा अपना काम कर और तुम चारों भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस घर में वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम पांचों अनाथ मनहूसों की शादी तो जरूर होगी, लेकिन मेरी मर्जी से, तुम्हारी मर्जी से नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम अनाथ मनहूसों को सारी उम्र घर पर बैठा कर खिलाने का और अपने सर पर बोझ रखने का। जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हें रास्ते से हटाऊंगी। चारों बहनें नेहा को रूम के अंदर ले जाती हैं और उसके जख्मों पर टूथपेस्ट लगाती हैं। दीदी, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे जैसा कि चाचा चाची हमारे साथ कर रहे हैं। आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो ये हमसे गिन गिन कर बदला ले रही है? इन्होंने हमसे हमारा सब कुछ तो ले ही लिया है, कम से कम हमारी जिंदगी ही बख्श दे, हमें खुलकर सांस लेने दे, हमें हमारी जिंदगी हमारे तरीके से जीने दे। दीदी, मुझे लगता है कि हम पांचों बहनों को यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए, बहुत दूर, इस नर्क से बहुत दूर, चाचा चाची के अत्याचार से बहुत दूर। मगर मेरी प्यारी बहनों, हम कहां जाएंगे? हम पांचों जवान जवान लड़कियां इस भरी दुनिया में कहां जाएंगे? हमारा घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। यह लोग जैसे भी हैं, जितने भी बुरे हैं, हैं तो अपने ही, और कम से कम यहां सर छुपाने को छत तो मिल रही है, हम कहां जाएंगे? मेरी प्यारी बहन, ये दुनिया हम पांचों बहनों को चैन से नहीं जीने देगी, यह समझो हमारे लिए आगे कुआं पीछे खाई। पांचों बहनें एक दूसरे के आंसू साफ करती हैं और अपने कामों पर लग जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कावेरी की बहन कावेरी से मिलने आती है। अरे कावेरी, क्या तुझे इन पांचों अनाथ लड़कियों से पीछा नहीं छुड़ाना? अरे दीदी, मेरा बच चले तो इन्हें कब का धक्के मार कर निकाल दूं, लेकिन तुम्हारे जीजा जी है ना, वो कह रहे हैं कि हमें इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए, कम से कम इनकी शादी ही कर इनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा जहां इन मनहूसों की शादी कर अपना पीछा छुड़ा लूं। मेरी नज़र में ऐसे रिश्ते हैं, अगर तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं।
अरे दीदी, रिश्ते तो मेरी नजर में भी एक से बढ़कर एक हैं। पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा समझदार, सिलाई कढ़ाई बुनाई और दसवीं पास भी हैं। लेकिन मैं इनकी शादी ऐसी जगह पर करना चाहती हूँ जहाँ पर दान दहेज कुछ भी देना ना पड़े और इनका ससुराल बहुत गरीब हो। मैं इन्हें परेशान देखना चाहती हूँ। मेरी जेठानी की बेटियाँ पृथ्वी पर परेशान होंगी तो मेरी जेठानी ऊपर आसमान में। अपनी बेटियों को देखकर बहुत मजा आएगा। दोनों माँ बेटियों को परेशान देखकर, एक जमीन पर और दूसरी आसमान पर। अरे कावेरी, मैं तुझे ऐसे ही तो रिश्ता बताने आई हूँ। ना हल्दी लगेगी, ना फटकरे और रंग चोखा ही चोखा होगा। वो कैसे? अरे जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ एक झुग्गी में एक बूढ़ी औरत रहने आई है, पांच पांच बेटों के साथ। एक बेटा लंगड़ा है, एक अंधा, एक बहरा और एक गंजा और एक बोना। और ऊपर से इतने ज्यादा गरीब है, कहीं पांचों की शादी नहीं हो रही गरीबी के कारण, और पांचों एक से बढ़कर एक नमूना है। बस उनसे पांचों बहनों की शादी कर अपना पीछा छुड़ा ले। कावेरी यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह अगले दिन उस बूढ़ी औरत को अपने घर बुलाती है और पांचों बहनों का रिश्ता पक्का कर देती है। और पांचों बहनों से कहती है, चलो कम से कम अब तुम पांचों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा तो मिल ही जाएगा। शादी हो जाने के बाद भूल कर भी यहाँ पर आ मत जाना, क्योंकि तुम्हारा कोई मायका वायका नहीं है। बहुत मुश्किलों से तुमसे अपना पीछा छुड़ा रही हूँ, आई बात समझ में? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? आज तुम्हारी शादी नहीं हो रही, आज तुम्हारे हाथों पर मेहंदी नहीं लग रही, एक हफ्ते बाद शादी है, जाओ घर के काम करो। चाची, आपने ना लड़कों की तस्वीर दिखाई है और ना ही उनके बारे में कुछ बताया है, बस ऐसे ही शादी पक्की कर दी। इस घर में अभी बड़े जिंदा हैं, छोटों को फैसले लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो किया है सो समझ कर ही किया है, जाओ काम करो। चाची वो मैं कह रही थी, लहंगा ना सही, कम से कम हमें हमारी शादी पर पहनने के लिए साड़ी ही दिलवा दीजिए। आप दान दहेज तो कुछ दे ही नहीं रही, कम से कम हमें एक एक साड़ी ही दिलवा दीजिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें साड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं दिलवाने वाली। मैं तुम्हारी शादी पर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करने वाली। चुपचाप फटे पुराने कपड़ों में ही यहाँ से विदा हो जाना और दोबारा यहाँ मुड़कर भी मत देख लेना। साड़ी दिलवा दो। शादी कर रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, साड़ियाँ नहीं दिलवाऊंगी। पांचों बहनें अपनी चाची की यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती हैं कि उन्हें अपनी शादी पर पहनने के लिए साड़ियाँ भी नहीं मिल रही। पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा दुखी होती हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, पांचों बहनें अपने फटे पुराने कपड़ों में शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दीदी अगर आज हमारे माता पिता से जिंदा होते तो हमें इस तरह से फटे पुराने कपड़ों में शादी नहीं करनी होती। माँ पिताजी हमारे लिए ब्राइडल साड़ी लेकर आते और बहुत कुछ दिलाते। हमारी किस्मत तो देखो, हमारी शादी भी हो रही है लेकिन हम फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि हम पांचों बहनें एक ही घर में जा रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अरे कावेरी बहन, मैं अपने होने वाली बहुओं के लिए साड़ियाँ लेकर आई हूँ, यही साड़ियाँ पहनकर मेरी बहुएं मंडप में आएंगी। पांचों बहनों की होने वाली सास पांच साड़ियां देकर वहां से चली जाती है। कावेरी को भी लगता है कि पांचों साड़ियां आम ही होंगी, लेकिन जैसे ही पांचों बहनें वह साड़ियां पहनती हैं तो वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती हैं। उनके शरीर पर बहुत ही ज्यादा गहने लद जाते हैं। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देख कर पांचों बहनें हक्की बक्की रह जाती हैं और उसके बाद वह शादी करने मंडप में आ जाती हैं। और वह पांचों लड़के अंधे लंगड़े बहरे गंजे और बोने जो थे वह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वह एक राजकुमार के रूप में बदल जाते हैं। यह दृश्य देखकर कावेरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो यह पांचों लड़के अंधे काले लंगड़े गंजे और बोने थे, इतने ज्यादा हैंडसम राजकुमार के रूप में कैसे बदल गए? तभी वह बूढ़ी औरत एक बूढ़ी परी के रूप में बदल जाती है। उस बूढ़ी औरत के परी के रूप में बदलता देख पांचों बहनें और कावेरी चौंक जाती हैं। मैं परी लोक की रानी परी हूँ और मुझे पृथ्वी की पांच ऐसी लड़कियों की तलाश थी जिनके मन साफ हों, जिनके मन में कोई मैल ना हो और वह दूसरों की मदद करती हूँ, एक दूसरे से प्यार करती हूँ।
मुझे अपने पांचों बेटों के साथ पृथ्वी पर ऐसी ही लड़कियों को ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो गया। अगर पांचों बहनों के मन में लालच होता, घमंड होता, मैल होता, तो मेरे बेटे कभी ठीक नहीं हो पाते। इन्हें एक चुड़ैल ने श्राप दिया था और यह श्राप से तभी मुक्त हो सकती थी जब इनकी शादी नेक और अच्छी लड़कियों से होती। और ये पांचों बहनें बहुत अच्छी हैं, जिस वजह से मेरे बेटों का श्राप टूट चुका है। मेरी पांच पांच बहुएं और मेरी पांचों बहुओं की जादुई साड़ियां, जिनकी मदद से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए। देखा चाची जी, इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जिसकी किस्मत चमकनी होती है वो चमक ही जाती है। आपने हम पांचों बहनों के साथ कितना बुरा करना चाहा, हमारी शादी पर पहनने के लिए साड़ियां भी नहीं दिला रही थी, और देखिए हमें जादुई साड़ियां मिली। और आप हमारी शादी कैसे लड़कों से करवाना चाहती थी जो अंधे थे, लंगड़े थे, बहरे थे, गंजे थे, लेकिन आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। और देखिए हमारी शादी परीलोक के राजकुमार से हो रही है। पांचों बहनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उन्होंने जादुई साड़ियां पहन रखी हैं और उनकी शादी परीलोक के राजकुमार से बहुत धूमधाम से हो जाती है। और पांचों बहनें जादुई साड़ियां पहनकर पांच राजकुमार और उस बूढ़ी परी के साथ परीलोक आ जाती हैं। और यहां पृथ्वी पर चाचा चाची हाथ मलते रह जाते हैं। उन्होंने पांचों के साथ कितना बुरा करना चाहा, लेकिन वह बुरा नहीं कर सके क्योंकि ऊपर वाला पांचों बहनों के साथ था।